वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से आप लोगों की शायद एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ और मेरी तरफ से सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। और अभी इवनिंग का टाइम है, सो अभी हम थोड़ा सा घूमने जाएंगे। घूमने मतलब हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर ही जो पूजा, गणेश पूजा देखने जाएंगे। तो इसीलिए मैं सोची आती एक ब्लॉग बनाती और आप लोग के साथ भी शेयर करती। और मैंने कभी नहीं गणेश पूजा देखा क्योंकि पिछले 2 साल से मैं प्रेग्नेंट थी और कायरा भी छोटी थी, तो उस टाइम मैं इतना कहीं पे निकलती नहीं थी। और अभी फर्स्ट टाइम मैं गणेश पूजा देखने जा रही हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और मैं रेडी हो जाती हूँ, पहले मैं थोड़ा सा मेरा हेयर है ना सामने सामने से थोड़ा सा कर्ली है, उसको थोड़ा सा हल्का हल्का स्ट्रेट करूँगी, इतना फुल स्ट्रेट नहीं करूँगी, हल्का। उसके बाद रेडी होके मिलती हूँ और आप लोग मेरे वीडियो को फुल देखना और बिना स्किप किए आप मेरे फुल वीडियो को देखना। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरे वीडियो। और प्लीज़ आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके एक्चुअली ना पता नहीं मेरे ये सामने वाले है ना पीछे से इतना कुछ नहीं कर्लिंग होता है मेरा, ये सामने वाले जो हेयर कर्ल होते हैं पता नहीं गुस्सा आता है, इसकी वजह से मैं स्ट्रेट करती हूँ, नहीं तो मुझे इतना स्ट्रेट करना नहीं पड़ता है। और पीछे वाले जो हेयर हैं ठीक है, बस ये सामने सामने वाले ये कर लिए, बस इससे ही करूंगी, फुल लेंथ पे नहीं करूंगी, बस सामने वाले जो लेंथ है। और मुझे कर्ल अच्छा लगता है कर्ल करना, बट कर्ल अकेले में कर नहीं सकती हूँ, हस्बैंड होता है तो वो कर देते हैं, इसलिए मैं सिंपल स्ट्रेट ही कर रही हूँ। तो मैंने सामने सामने से हल्का सा कर दिया, इतना टाइम नहीं है, सामने से कर लिया क्योंकि पीछे से मैंने नहीं किया है, क्योंकि बाल को तो ठीक है ना। चलो अभी रेडी हो जाती हूँ। और ये वाला येलो कलर का गोल्डन गोल्डन भी है, थोड़ा येलो भी नहीं है, तो ये सूट मैं पहनूंगी। ये जैसे प्लाजो है, ये मेरा सेकेंड एनिवर्सरी का सूट है, मैंने इसको एक बार ही पहना है, तो आज मैं सेकेंड टाइम पहनूंगी। वैसे मैं वीडियो वगैरह बनाई हूँ इसको पहन के, बस कहीं नहीं गई हूँ, फर्स्ट टाइम एक ही बार मैंने एनिवर्सरी पे पहना था। और कायरा भी यहाँ पे रेडी है, इसका बाल बांधना बाकी है और इसका बाल बांधूंगी और मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। कायरा आप रेडी हो गई? हाँ ठीक है, आपका बाल बांध देती हूँ, ठीक है, इधर दिखाओ, हेलो कर दो, हाय। मैं रेडी हो गई, ये मेरा फाइनल लुक है। और मैंने इतना ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं किया, हल्का सा ही किया है, और बाल मैंने आज बांधा है क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है ना, और बस यही ड्रेस डाला है मैंने। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। यहाँ पे मैं इतना जल्दी रेडी हो गई, उसके बाद कायरा को भी मैं तो रेडी हो गई थी टाइम से, बट कायरा थोड़ा तंग कर रही थी, बट उसको रेडी करने में थोड़ा लेट हो गया था और दीदी इन लोग वेट कर रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं गाड़ी पे बैठ कर वीडियो बना रही हूँ। ये बस हमारा क्वार्टर से निकलने का रोड है, सो इसमें ज़्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर दूर ही, सबसे जो मैं बड़ा वाला पूजा है ना यहाँ पर ही होता है, सो मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ गणेश पूजा। और ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत जैसे मौसम की वेदर के हिसाब से ना, और कुछ दिन भी बाकी है और 1 मंथ भी बाकी है, 1 मंथ बाकी, हाँ 1 तारीख से शायद नवरात्र स्टार्ट होगा। सो हमारे वहाँ पर दुर्गा पूजा होता है, जो लोग
त्रिपुरा, असम या नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल से जो बिलोंग करते हैं उन लोगों को बताया कि नवरात्र के टाइम पे, दुर्गा पूजा के टाइम पे कितना अच्छा माहौल होता है हमारे यहाँ पे, धूमधाम वाली माहौल। सो ऐसे ही थोड़ा बहुत मुझे फील हो रहा था और बहुत अच्छा भी लग रहा था। सो हम बाद में आएंगे लास्ट जब, ये तो पास में ही है। सो हम अभी जा रहे हैं मंदिर, थोड़ा जाएंगे यहाँ पे। सो ये वाला जो मंदिर है, मैं यहाँ पे कभी नहीं आई हूँ, फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। पहले मैं एक बार आई थी तब मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, कायरा और कायरा के पापा ही आए थे। सो मैं थोड़ा सा बाहर जब निकलती हूँ इतना बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है। सो इसीलिए शायद पहला पहला है थोड़े दिन, बट कर लूँगी। मेरे पास जो होता है ना, जैसे कि एक कॉन्फिडेंस नहीं है अभी बाहर निकल के, लोग क्या बोलेंगे, कुछ सोचेंगे, ये सोचती हूँ। तो जितना भी हो सके थोड़ा बहुत क्लिप लिया है, आप लोग भी अच्छा लगेगा। और हमारा किस्मत कितना अच्छा है, जिस टाइम ही आरती हो रहा था उसी टाइम हम आए हैं। शो आरती के टाइम ही हम आए हैं, बट इतना सारा लोग नहीं है, बहुत ही खाली है, क्योंकि आज गणेश पूजा वगैरह हो रहा है तो सब जगह पे वहाँ पे गए हैं। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमने दर्शन कर लिया और मैंने बाल खुला छोड़ दिया, क्योंकि बाहर निकलते हैं ना सो इतना गर्मी नहीं होता है बाहर, बहुत ही मौसम अच्छा है। बस हमारा ऊपर का क्वार्टर है तो ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, इसलिए मैंने उस टाइम मैंने बाल बांधा था। तो अभी मैंने बाल खुला छोड़ दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं कभी बाल नहीं बांधती हूँ। सो ये भी है और एक पूजा है यहाँ पे, यहाँ पे भी मंदिर जैसा है, पता नहीं पहले देखते हैं। जो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बहुत दिन बाद निकलते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, और दुर्गा पूजा वाला फील तो आ रहा है, क्योंकि एक तो इस टाइम पे दुर्गा पूजा होता है तो इसी वजह से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे गणेश के दर्शन के लिए लाइन पे खड़े हुए हैं। सो आज इतना रश नहीं है, शायद नेक्स्ट डे पे रश होगा, क्योंकि फर्स्ट डे में इतना रश नहीं होता है, तो बहुत ही खाली खाली सा था। तो ये जो मैं दिखाई थी ना, सबसे जो बड़ा वाला गणेश है, सबसे अच्छे से डेकोरेशन किया, यही पे हम आ गए हैं। और दूसरे वाले में भी है, वो बोले इतने बड़े नहीं है, छोटे छोटे हो, तो वहाँ बाहर से देखे थे, उसका मैंने क्लिप नहीं लिया, क्योंकि गाड़ी पे ही बैठ के देखे थे हमने थोड़ा थोड़ा, इसीलिए मैं जो बड़ा है देखिए इनका, इसका इतना डेकोरेशन अच्छे से किए है ना। Thank you.
और ये वाला गणेश इतना सुंदर लग रहा था ना, वहाँ से मुझे आने का मन नहीं कर रहा था, मैं खड़े होकर वहाँ पे देख रही थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और डेकोरेशन इतना अच्छे से किए हैं ना, बहुत ही अच्छा लग रहा, क्या बताओ। और गणेश देखिए इतना बड़ा भी है, बहुत बड़ा है। ये आ गए हम क्वार्टर के जो हमारा बिल्कुल सामने है, क्वार्टर का जो सामने वाला पार्क है वहाँ पे, यहाँ पे छोटा करके बिठाए हैं। सो यहाँ पे जा रहे हैं हम अभी, शायद यहाँ पे अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है पूजा, थोड़ा सा देख के आएंगे क्योंकि मुझे आके खाना भी बनाना है। कायरा को भी बहुत टाइम हो गया, कायरा ने कुछ नहीं खाया। सो पहले थोड़ा बहुत देखते हैं जाके, शायद आई थिंक पूजा हो रहे हैं। यहाँ पे पूजा हो रहे है, थोड़ा सा लेट होगा यहाँ पे। सो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। खाने के लिए बंदरा लगा दी सब।